दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का बटन जरूर प्रेस करेगा ताकि हमारी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल मामले में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्रोम की कुछ ऐसी हिडन सेटिंग्स के बारे में जिससे कि हमारे मोबाइल में बैटरी एंड इंटरनेट दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यदि आपके मोबाइल में बैटरी की प्रॉब्लम है तो आप उसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और यदि आपके मोबाइल में इंटरनेट जल्दी खत्म होता है तो आप उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप इस प्रॉब्लम को बहुत टाइम से फेस कर रहे हैं तो आप इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों जानते हैं क्रोम की कुछ हिडन सेटिंग्स के बारे में जिससे कि हमारे मोबाइल में बैटरी एंड इंटरनेट प्रॉब्लम दोनों ही सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है, सेटिंग्स पर क्लिक करना है, स्लाइड अप करना है, हमें देखने मिलेगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, इस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ हमें देखने मिलेगा सबसे फर्स्ट नंबर की सेटिंग जो कि सेफ ब्राउजिंग, इस पर हमें क्लिक करना है। ये सेट होगा हमारे मोबाइल में स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन पे, तो हमें इसे सेट करना है एनहेंस प्रोटेक्शन पे। इससे होगा ये कि जिस भी हम वेबसाइट को ओपन करेंगे वो ब्राउज़र ऑटोमेटिक चेक हो जाएगा कि ये जो वेबसाइट आपने ओपन की है वो सेफ है या नहीं, और अगर वो वेबसाइट सेफ नहीं रहेगी तो आपको बता देगा कि ये वेबसाइट सेफ नहीं है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट नंबर की सेटिंग। बात करते हैं सेकेंड नंबर की सेटिंग के बारे में जिसके लिए हमें बैक आना है। सेफ ब्राउजिंग के नीचे हमें एक सेटिंग देखने मिलेगी जो कि ऑलवेज यूज सिक्योर कनेक्शन, इसे हमें ऑन कर देना है। ये हो सकता है आपके मोबाइल में बंद हो तो हमें इसे ऑन कर देना है जिससे कि हम जो भी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वो सिक्योर रहेगा, क्योंकि कभी कभी कुछ हार्मफुल वेबसाइट्स भी हमारे मोबाइल में ओपन हो जाती है जो कि हमारे मोबाइल को हैक भी कर सकती है, और जब हमारा मोबाइल हैक होता है तो हमारे मोबाइल में हैंग प्रॉब्लम एंड बैटरी की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। इसलिए हमें ऑलवेज यूज सिक्योर कनेक्शन को ऑन कर देना है। ये हो गई हमारी सेकंड नंबर की सेटिंग। बात करते हैं थर्ड नंबर की सेटिंग के बारे में जिसके लिए हमें फिर से बैक आना है। यहाँ में देखने मिलेगा नोटिफिकेशन, इस पर हमें क्लिक करना है। इसके अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत सारे सेटिंग ऑन है, तो हमें जो क्रोम की नोटिफिकेशन है उसे बंद कर देना है क्योंकि क्रोम की नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है कि हमारे मोबाइल में बैटरी और इंटरनेट की प्रॉब्लम दोनों ही शुरू हो जाती है, तो हम इन सेटिंग्स को बंद कर सकते हैं। तो हमें ऑल क्रोम नोटिफिकेशन पर क्लिक करके इसे बंद कर देना है। ये हो गई हमारी थर्ड नंबर की सेटिंग। बात करते हैं फोर्थ नंबर की सेटिंग के बारे में जो कि है थीम, इस पर हमें क्लिक करना है। ये सेट होगा सिस्टम डिफॉल्ट पे, तो हमें इसे सेट करना है डार्क पे। जैसे कि मैंने आपको बताया है हर बैटरी वाली वीडियो में कि हमारे मोबाइल का जो थीम है वो डार्क थीम पे ही सेट होना चाहिए, क्योंकि डार्क थीम पे रखने से हमारे मोबाइल में जो बैटरी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। ये हो गई हमारी फोर्थ नंबर की सेटिंग। बात करते हैं फिफ्थ नंबर की सेटिंग के बारे में जिसके लिए हमें हमारे मोबाइल के मेन होम स्क्रीन पे आना है। क्रोम का जो आइकन है इस पर होल्ड करके रखना है, ऐप इंफॉर्मेशन शो करेगा जिसे हम आई बटन भी कहते हैं, इस पर हमें क्लिक करना है। स्लाइड अप करना है तो हमें देखने मिलेगा मोबाइल डेटा एंड वाईफाई, इस पर हमें क्लिक करना है। शो करेगा हमें बैकग्राउंड डेटा जो कि ऑन रहेगा, तो हमें इसे बंद कर देना है। इससे होगा ये कि बैकग्राउंड में कोई भी वेबसाइट रन नहीं करेगी क्रोम ब्राउजर की, और इस सेटिंग से हमारे मोबाइल में जो इंटरनेट है वो भी जल्दी ख़त्म नहीं होगा, यानी कि इंटरनेट की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। फिर से हमें बैक करना है। यहाँ हमें शो करेगा बैटरी जो कि सिक्स नंबर की सेटिंग है, इस पर हमें क्लिक करना है। हो सकता है आपके मोबाइल में ऑप्टिमाइज पे सेट हो तो हमें इसे कर देना है रिस्ट्रिक्टेड, जिससे कि हमारे जो बैकग्राउंड में जो बैटरी कंज्यूम होता रहता है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो ये है हमारे मोबाइल में क्रोम ब्राउजर की कुछ ऐसी सेटिंग्स जिससे कि एंड इंटरनेट की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो।